एथिकल हैकिंग और कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए सब्सक्राइब करें अभी के अभी साइबर रिच यूट्यूब चैनल को और प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को ताकि आप लेटेस्ट अपडेट ना मिस कर सकें। तो हे गाइस, दिस इज साइबर ऋषि बैक हियर विद अ न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पैरट सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो बहुत से लोगों को इसके बारे में पता होगा जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, और जिन लोगों को नहीं पता तो ये पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम एक लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो लिनक्स की तरह ही काम करता है। इसके आधे से ज़्यादा काम लिनक्स के जैसे ही है क्योंकि उसी का एक वर्जन मान सकते हैं, बोल सकते हैं उसको लिनक्स का एक वर्जन, लेकिन ये बोलना ठीक भी नहीं होगा क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सिमिलैरिटीज़ क्या है, दोनों में से बेहतर कौन है, हम दोनों के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि सिस्टम रिक्वायरमेंट वगैरह सब क्या है। और इससे नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो है उसके अंदर हम देखेंगे कि पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्चुअल बॉक्स में या फिर VMware में कैसे इंस्टॉल करना है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर आपको इस वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम यहाँ ये बता दूं कि पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम एक डेबियन बेस्ड GNU लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन ही है। इसे फ्रोजन बॉक्स टीम ने अप्रैल 2013 में रिलीज़ किया था, जिसका यूज़ पेनिट्रेशन टेस्टिंग में, कंप्यूटर सिक्योरिटी में, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और माइग्रेशन कंप्यूटर और कई सारी चीज़ों में किया जाता है, और साथ के साथ एनोनिमस वेब ब्राउजिंग में भी किया जाता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट और फैंसी लुक एंड फील वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जिन्होंने लिनक्स और पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों ही चलाया होगा या फिर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, तो ये लिनक्स के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा इसका फैंसी लुक है और थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली भी लग रहा है एज़ कम्पेयर टू लिनक्स। आपके हार्डवेयर रिसोर्स का भी काफ़ी ज़्यादा कम यूज़ करता है अगर हम लिनक्स के मुकाबले इसकी बात करें तो। लिनक्स को अगर आप सेम कॉन्फ़िगरेशन में लिनक्स भी चलाएं और पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम भी चलाएं तो पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको कम लैग देखने को मिलेगा अगर हम लिनक्स की बात करें तो, क्योंकि पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं लेता आपके हार्डवेयर का, लेकिन लिनक्स जो है वो हार्डवेयर का भूखा होता है और ये आपको दोनों 34-bit और 64-bit में भी मिलेगा। और लिनक्स के जैसा इसके अंदर लाइट वेट और फुल वर्जन भी है, आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं आपकी नीड के हिसाब से। इसमें भी लिनक्स की तरह काफ़ी सारे टूल्स पहले से ही इंस्टॉल होकर आते हैं और काफ़ी ज़्यादा आपको बाद में इंस्टॉल करने भी पड़ सकते हैं। और एक बात और, इसके अंदर आपको काले लिनक्स से एक्स्ट्रा टूल्स भी पहले से ही मिलेंगे। अभी अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें तो काले लिनक्स से ज़्यादा टूल्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। मेन्यू में जाके भी आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे आप एक बार एप्लीकेशंस में भी जाके देख सकते हैं, तो काले लिनक्स से भी ज़्यादा टूल इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार हम कौन सा यूज़ करके कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा बेहतर है, लिनक्स या पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये डाउट भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो अब बात करें तो दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम करीब करीब सेम ही, आप दोनों में सेम काम कर सकते हैं, जो आप पैरट में करना चाहते हैं वो लिनक्स में भी कर सकते हैं और जो लिनक्स में करना चाहते हैं वो पैरट में भी कर सकते हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं है इन दोनों में। पर जैसा कि मैंने पहले बताया, पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपको लिनक्स से ज़्यादा टूल्स पहले से ही मिलते हैं, आपको डिफ़ॉल्ट मिलेंगे, इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हार्डवेयर रिसोर्स का काफ़ी कम यूज़ करता है और कैली लिनक्स आपका रिसोर्स हंगरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो ऑब्वियसली हार्डवेयर ज़्यादा यूज़ करेगा, मतलब थोड़ा सा रैम ज़्यादा होनी चाहिए उसके अंदर। तो इसकी वजह से अगर आप दोनों में ही सेम काम कर रहे होंगे तो पैरट में आपको लैग कम देखने को मिलेगा अगर हम लिनक्स से कंपेयर करें तो। तो पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम का लुक एंड फील ऑब्वियसली आपको देख के लग ही रहा होगा कि लिनक्स से ज़्यादा बेहतर है। तो जो लिनक्स है वो आता है जिनोमी डेस्कटॉप एनवायरनमेंट के साथ और जो पैरट आता है वो आता है मेड डेस्कटॉप एनवायरनमेंट के साथ। लेकिन ये तो सबको पता होगा कि यार काली लिनक्स ज़्यादा पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है ये पैरट की तुलना में, और ज़्यादा फेमस भी है, ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं। और पैरट तो अभी ज़्यादा पुराना भी नहीं है, पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम 2013 में ही आया है और जो आपका काली लिनक्स है वो 2006 से चल रहा है शायद। तो अगर हम बात करें कि हमें काली लिनक्स से अगर स्विच करना हो पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम में तो हम क्यों करें, तो अगर आप लोग एथिकल हैकिंग सीख रहे हैं या फिर आपका साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है या फिर आपको नए नए OS चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है या फिर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लुक एंड फील से थोड़ा सा बोर हो चुके हैं तो आप पैरट की तरफ मूव कर सकते हैं। या फिर एक और पॉइंट हो सकता है कि आपका जो लैपटॉप या कंप्यूटर वो ज़्यादा पुराना हो चुका है, उसके अंदर रैम बहुत कम है, जैसे 2GB या फिर 8GB, तो आप पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अंदर चला सकते हैं, लिनक्स को हटा सकते हैं क्योंकि ये बहुत कम रिसोर्स में भी बहुत अच्छे से चल जाए। बट दोस्तों, ये कहने में बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि कौन ज़्यादा अच्छा है कौन ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि दोनों ही एक जैसे काम करते हैं
और ये यूजर के ऊपर डिपेंड होता है कि उसको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पसंद है। तो अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं कि मैं कौन सा रेकमेंड करूंगा, तो यार देखो मैं तो काली लिनक्स ही रेकमेंड करूंगा, क्योंकि यार काली लिनक्स है बस, वो बेटर है, बेटर नहीं बोल सकते, वो बस काली लिनक्स अपनी जगह है, पैरट अपनी जगह है, लेकिन अगर मेरी पसंद हो तो काली लिनक्स तो सबसे मस्त लगती है यार। तो अब बात कर लेते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट की। तो पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको चलाने के लिए सीपीयू बहुत कम, मतलब 1 GHz का कोर सीपीयू की जरूरत है, उसमें ये आराम से रन कर जाएगा। आर्किटेक्चर की बात करें तो 32-bit 64-bit दोनों ही वर्क करता है। रैम आपको इसके अंदर मिनिमम चाहिए, मिनिमम की बात हो रही है 256 MB रैम, मतलब मिनिमम, अगर लेकिन इतनी रैम तो बहुत ही नहीं है मेरे ख्याल से किसी के पीसी में, हो भी सकती है, बट 1 GB या 2 GB में ये आराम से वर्क करेगा। और जीपीयू की बात करें तो इसके अंदर ग्राफिक एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट कोई भी नहीं पड़ती। अब बात आती है स्टोरेज की, हार्ड डिस्क स्टोरेज इसके अंदर कितना चाहिए। तो अगर आप फुल वर्जन इसका यूज़ कर रहे हैं तो मिनिमम रिक्वायरमेंट 16 GB है, बट आप 20 लेके चले तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। 20 GB मिनिमम हार्ड डिस्क अगर आप लेके चले फुल वर्जन के लिए तो बहुत बढ़िया है। और अगर आप इसका लाइट वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ 4 GB, और कोर वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ 8 GB। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है कि ये पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे अपने पीसी में इंस्टॉल करना है वीएमवेयर में। तो बने रहिए मेरे साथ, और हम करते हैं इस वीडियो को यहाँ पे बंद, और नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करें। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें एंड स्टे ट्यून्ड।